Hey guys, this is Saurav from TechBattle. तो पीछे जैसे आप ये पीसी देख सकते हैं वो हमने रिसेंटली बिल्ड किया था फॉर एडिटिंग। तो आज के वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो ये वीडियो को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि इस बिल्ड में मैंने कौन से कॉम्पोनेंट्स यूज किए और मुझे वो कॉम्पोनेंट्स कितने में मिले। सेकेंड पार्ट में मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे उस पीसी को बिल्ड किया और थर्ड पार्ट में मैं कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपको अगर अपना पीसी बिल्ड करना है तो काफी काम आएंगी। और एंड में मैं आपको इस पीसी के कुछ बेंचमार्क्स भी दिखा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रोसेसर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो है AMD Ryzen 5 3600। ये मुझे मिला अराउंड 17,500 रुपीज़ का। इस प्रोसेसर में आपको 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। इसका जो बेस क्लॉक स्पीड है वो है 3.6 GHz और इसको बूस्ट कर सकते हैं अप टू 4.2 GHz। तो जो ग्राफिक कार्ड मैंने इसमें यूज़ किया है वो है NVIDIA GTX 1660 जो कि है 6GB का ग्राफिक कार्ड, जो कि आता है गैलेक्सी की तरफ से, जिसमें आपको ड्यूअल फैन देखने को मिल जाता है। इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस मुझे मिली है 17,500 रुपीज़। तो जो मदरबोर्ड मैंने इसमें यूज़ किया है वो है MSI B450M Pro VDH Max। इसकी प्राइस मुझे मिली है 8,000 रुपीज़। ये मदरबोर्ड Ryzen 3rd Gen को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है, तो इसमें आपको BIOS अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप 3rd Gen का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो। तो रैम जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो है Corsair का 16GB का रैम, जिसकी स्पीड है 3000 MHz, और यहाँ पे मैं 8GB के दो रैम यूज़ करूँगा फॉर ड्यूअल चैनल। सो रैम की प्राइस मुझे पड़ी अराउंड 7,100 रुपीज़। तो यहाँ पे जो मैं SSD यूज़ करूँगा वो है 240GB की, जो कि है किंगस्टन की, जो कि मुझे मिला 3,200 रुपीज़ में। जो हार्ड ड्राइव मैं इसमें यूज़ करूँगा वो है 1TB का वेस्टर्न डिजिटल का, जिसकी प्राइस मुझे मिली 3,300 रुपीज़। तो जो पावर सप्लाई मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वो है 550 वॉट का एनटेक नियो इको, जो कि एक सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। ये एक 80+ ब्रॉन्ज रेटेड पावर सप्लाई है, जिसकी प्राइस मुझे मिली 4,150 रुपीज़। तो जो कैबिनेट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ वो है एनटेक VSK10, जो कि एक कॉम्पैक्ट कैबिनेट है जो कि बना है माइक्रो ATX मदरबोर्ड्स के लिए। तो जो डिस्प्ले मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो है BenQ GW2480, जो कि एक 24 इंच का IPS डिस्प्ले है, जो कि अच्छी कलर एक्यूरेसी देता है, जो कि एडिटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। तो मैं जल्दी ही मॉनिटर स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपके यूजेज के हिसाब से कौन सा मॉनिटर आपके लिए सही रहेगा। तो ये बिल मुझे अराउंड 64,000 रुपीज़ का पड़ा। अगर मैं इसमें मॉनिटर भी ऐड करूँ तो ये बिल का टोटल कॉस्ट हो जाता है 74,000 रुपीज़। ड्यू टू कोरोना ये जो सारे कॉम्पोनेंट्स हैं मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव प्राइस पे मिले हैं। तो शायद आने वाले टाइम पे जब सब ठीक हो जाए तो प्राइसिंग वापस से डाउन हो सकती है। तो चलिए अब बिल्ड स्टार्ट करते हैं।
तो अगर आपने हमारा पीसी बिल्ड सीरीज़ के वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैंने सारे वीडियोस में ऑनलाइन प्राइसिंग बताई है। अगर मैं उस ऑनलाइन प्राइसिंग से कंपेयर करूँ तो मुझे सारे कंपोनेंट्स ऑफलाइन थोड़े चीप मिले। मुंबई में लेमिंगटन रोड और दिल्ली में नेहरू प्लेस जैसी जगह बहुत फेमस होती है ऑफलाइन मार्केट के लिए, और वहाँ आपको अच्छी प्राइस देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके यहाँ पे ऑफलाइन मार्केट नहीं है तो आप अमेजोन पे सेल टाइम पे कंपोनेंट्स बाय कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेस की है, खाली जो कैबिनेट है वो मैंने अमेजोन से मंगाया है। सो जहाँ से मैंने सारे पार्ट्स परचेस किए हैं उसकी जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो देखते हैं इस बिल्ड के कुछ बेंचमार्क्स। तो अगर आपने हमारा पीसी बिल्ड सीरीज़ चेक नहीं किया है तो उसे एक बार ज़रूर चेक कर लेना। उसमें हमने सारे कैटेगरीज़ के पीसी बिल्ड सजेस्ट किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए टेक बैटल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।